गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करने से पहले ना, आपने जो अभी मूवी की क्लिप देखी है ना, आप मुझे बताइएगा कि किस मूवी की क्लिप है और कहाँ पे शूट हुई है। ये पॉज कीजिएगा और कमेंट कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। जी हाँ, इस मूवी का नाम है सिंगम और इस मूवी का ये जो पार्ट है ना, जो आपने अभी देखा, शूट हुआ था दोनापावला में। तो मैं आपको आज लेके जा रही हूँ उसी शूटिंग पॉइंट पे जहाँ पे ये सीन शूट हुआ था। तो चलो चलते हैं। जी हाँ, इस मूवी का नाम है सिंगम और ये मूवी शूट हुई थी दोनापावला। जी हाँ इस मूवी का नाम है सिंगम और जो आपने देखा ना अभी, वो पार्ट शूट हुआ था दोनापावला में, जिसे दोनापावला जेटी के नाम से भी जानते हैं। दोनापावला जेटी ना रिसेंटली टूरिस्ट के लिए ओपन हुई है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कैसा रेनोवेशन किया है और अभी कितनी खूबसूरत दिखती है वो। अगर आप मार्गाव से रहे ना, तो इस तरफ से आ जाइएगा, जो जैसे कार आ रही है वहाँ से। ये रोड ना गोवा यूनिवर्सिटी से होते हुए आता है। अब ये वाला रोड देखना है, वो ना पेंजिम से आता है। जैसे ही आपको ये सर्कल दिखाई देगा ना, आपको यहाँ से स्ट्रेट लेना है। अंदर आते ही आपको ऐसे पार्किंग के लिए मिलेगा, एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है। ये जो आपको सेंट एंथनी वाटर क्रूज दिख रहा है ना, ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल है। रहा उनका ऑफिस, स्पोर्ट्स के प्राइसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि राइड 400, फैमिली बोट 2000, पैराग्लाइडिंग 1500, डॉल्फिन ट्रिप 6000। ये सारे शॉप्स हैं और यहाँ से आप खरीदी भी कर सकते हैं। रिनोवेशन करने के बाद एक गेट, और अब यहाँ पे अभी ना एंट्री फी लगाई है। अभी तक उन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, पर आगे 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 वो स्टार्ट करेंगे एंट्री फी यहाँ पे। ये वही जगह जहाँ पे अजय देवगन ने सारे गुंडों को पीटा था, और ये रही वो लेन जहाँ पे सारे गुंडे खड़े थे। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, पहले वहाँ पे जाने के लिए मिलता था, पर वो अभी टूट चुका है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन चुका है। गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे रेड फ्लैग भी लगाया हुआ है। के बाद ना एक काफ़ी अच्छा हुआ है, पूल खुला हुआ था ना, तब यहाँ पे भी बैठने के लिए मिलता था, सीटिंग अरेंजमेंट थी। देखो टाइम 3:30 हुआ है और धूप भी है, पर धूप नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ अच्छी चल रही है, इसलिए ना धूप नहीं लग रही है। काबदाराम बीच पे जैसे रॉक्स है ना, ये वाले रॉक्स यहाँ पे है। तो ये रहे रॉक्स, वो फेमस स्टैचू। अब हम चलेंगे ऊपर जहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है प्लस एक फोटोग्राफी पॉइंट है। ऐसे आपको सब चढ़ के ऊपर जाने के लिए मिलता है। देखो थोड़े स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद नीचे का व्यू जहाँ पे वो सीन शूट हुआ था, और ये रहा वो स्टैचू जो कि अभी ना बहुत बुरी हालत में है। और ये ब्रिज देख रहे हैं आप, ये है जुआरी ब्रिज, जो अभी नया नया ओपन हुआ है ना, वो वाला ब्रिज। तो अगर आप पर्सनली दोनापावला जेटी विजिट करते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं दोनों नदी का पानी ना बहुत अलग है। जुआरी नदी का जो पानी है ना, वो बहुत पीला है, मतलब बहुत पॉल्यूटेड है। रणवीर नदी का जो पानी है ना, थोड़ा बहुत क्लीन है। हवा देखो कितनी चल रही है, सारे पत्ते ना एक साइड में ही जा रहे हैं और ये भी साथ में जाएगा। मैं आपको ये प्लेस ना रॉन्ग टाइम पे दिखा रही हूँ,
पर जब भी आप आइएगा, आप 5 o'clock 6 o'clock उस टाइम आइएगा जब सनसेट होता है ना, तब ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ये रहा सबसे टॉप से नीचे का व्यू। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं।